एक बार एक शहर में दो दोस्त रहते थे। वो दोनों दोस्त एक दिन समुद्र किनारे शंख इकट्ठा करने के लिए गए ताकि उन शंखों को बेचकर वो अपने लिए कुछ पूंजी जमा कर पाए। दोनों दोस्त शंख इकट्ठा कर ही रहे थे तभी पहले वाले दोस्त को एक बड़ा शंख मिल गया और ये देखकर दूसरे वाले दोस्त के मन में आया कि यार इसे तो बड़ा शंख मिल गया, अब ये मुझसे ज़्यादा पैसा कमा लेगा। तो फिर उसने सोचा कि अब मैं भी सिर्फ बड़ा शंख ही ढूंढूंगा ताकि मैं भी ज़्यादा पैसा कमा पाऊँ। तो अब वो लग गया बड़े शंख की तलाश में। उसने खूब ढूंढा, खूब मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे बड़ा शंख हासिल नहीं हुआ। और उस बड़े शंख के चक्कर में उसे जितने भी छोटे छोटे शंख मिलते उन सारे शंखों को उठा करके फेंक देता, क्योंकि उसके दिमाग में वो बड़ा शंख था कि मुझे किसी भी हालत में वो बड़ा शंख चाहिए ताकि मैं थोड़े ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ। तो बड़े शंख की तलाश में दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, तो ना तो उसे बड़ा शंख मिला और बल्कि जो छोटे छोटे शंख उसे मिले थे उन शंखों को भी उसने फेंक दिए। तो उसके हाथ में कुछ नहीं आया। और जो पहला वाला दोस्त था उसके पास एक बड़ा शंख था और कुछ छोटे शंख थे। तो रात हो गई और वो दोनों दोस्त घर जाने लगे। तो घर जाते वक्त पहला वाला जो दोस्त था उसने अपने शंख बेच दिए। तो उसके पास एक जो बड़ा शंख था उसके उसे मिले 1000 रुपये और जो छोटे छोटे शंख उसके पास में थे उसके उसे मिले 3000 रुपये। और ये जानकर उस दूसरे वाले दोस्तों को बहुत दुख हुआ कि काश मैं उन छोटे छोटे शंखों को फेंकता नहीं तो अभी मेरे पास इससे भी ज़्यादा कमाई होती। उसके दोस्त ने उसे बताया कि जो छोटे छोटे शंख तूने फेंक दिए थे ना उन्हीं को मैंने अपने पास कलेक्ट कर लिया और उन्हीं की वजह से मुझे मिले 3000 रुपये। और ये जानकर वो दूसरा वाला दोस्त और भी ज़्यादा निराश हो जाता है। इस कहानी को बताने का मेरा मकसद बिल्कुल साफ है कि हम बड़ी बड़ी चीज़ों के चक्कर में कई सारी छोटी छोटी चीज़ें या फिर ये कहें कि कई सारे छोटे छोटे मौके हाथ से गंवा देते हैं। हम हमारी डे टू डे लाइफ में भी कई सारी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि ये छोटी छोटी चीज़ें आगे जाकर बहुत विशाल रूप धारण कर लेती हैं। हर छोटी चीज़ पर ध्यान लगाओ, उसे इग्नोर मत करो, आगे जाकर आपको इसकी अहमियत पता चलेगी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप छोटा सोचो और छोटा ही करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सोचो बड़ा, लेकिन उसके लिए हर वो छोटा काम करो जिससे कि आपका लक्ष्य आपको हासिल हो। दोनों दोस्तों का लक्ष्य एक ही था, वो था पैसा। लेकिन पहले वाले दोस्त ने बड़े पर भी फोकस किया और छोटे पर भी फोकस किया, और दूसरे वाले दोस्त ने सिर्फ बड़े पर फोकस किया, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। और जहाँ उसे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए थे वहाँ उसे 1 रुपया भी नहीं मिला। और अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि छोटे छोटे बदलाव ही बड़ी कामयाबी का हिस्सा होते हैं। इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।